Hello guys, so welcome to the channel Official Jerry. So here we are having your second class topic, Indian marriages. So let's, without wasting your time, so let's start your second class. सुबह के 6 बज रहे होते हैं, सब सुनसान वीरान सो रहे होते हैं बिंदास। फिर बेल बजती है, मेरी आंख खुली। यार सुबह सुबह कौन आ गया, पता तो था रिश्तेदारों ने आना, सुबह सुबह कौन आ गया। मैं बाहर जाता हूँ आंखें रगड़ता रगड़ता, गेट खोला, सो कॉल्ड बड़ी दूर के चचा, ओए निबू कैसा है तू। एक्चुअली मेरे घर का नाम ना विबू है, और ये बड़े बुजुर्गों ने ना नींबू बना रखा। कहते ओए निबू कैसा है तू, मैं निचोड़ दिया, निचोड़ दिया मेरा इतना साक्षात भारी नाम, मिल गया तुमको सुकून, तो पहचाना। अंदर से सोच रहा तू तो कैसा है तू, मैं अंदर ही अंदर बात करता हूँ। मैं खड़े हो गए, मैं यार अब तक तो ठीक था, अब ये रिश्तेदार आएंगे मेरे हालात से, ग्लूकोज की बोतल ला दो मेरे, मैं तो चढ़ाऊंगा या कोई दारू की ला दो। इससे पहले ना वो मतलब अपनी और मेरी रिश्तेदारी की कुंडली खोलते, मैं कहा भाई, मैं कहा सामाजिक धर्मशाला खुली है, मैं कहा आए सो जाए सुबह बात करेंगे। मैं अंदर कमरे में जाकर ना ऐसे उल्टा पड़ के ना चुपचाप सो गया। सुबह उठा आई मिनटों से थोड़ी देर बाद, मतलब मैं उठा मेरे को लगा ही नहीं मैं अपने घर में उठाऊं, ऐसे लगा किसी बाबा जी के समागम में उठाऊं, और दूर दूर से चैं 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 चैं, सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए थे। अचानक से दूर से एक आंटी आती है, ओए विभू पहचाना मुझे। मैं थोड़ी देर सोचता हूँ, मकन्ना तेरे पहचानोगे कैसे, पहली बार तो मिले हैं। क्या आंटी है यार, मतलब वो ना फिर मेरे पीछे ऐसे पड़ गई जैसे मेरी एक्स, साथ ही नहीं छोड़ा, जहां मैं जाऊं पीछे पीछे विभू 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 विभू, मैं टॉमी नहीं हूं। थोड़ी देर बाद कहती, होर क्या काम करते हो। साला इतनी दिल पे लगी ना ये बात, दो मिनट तो सुन खड़ा हो गया। अंदर से दिल कह रहा, कर क्या बोलेगा इस बेरोजगारी में, इसको क्या काम करता। फिर मैं ठहरा कंटेंट क्रिएटर, कंटेंट आ गया दिमाग में, मैं कांटी साइंटिस्ट हूं। अरे वाह, कैसे। मैं कहा आंटी ऑक्सीजन को ना कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता हूँ सुबह से शाम। मेरे को देखे कहती है, फिर ना ये पांच गली छोड़ के रहने वाली मेरी बुआ आती है घर में, एंट्री करती है अपने बच्चों के साथ, दूर से ना ऐसे टाइटैनिक पोज में हाथ खोल लेगी, ओए मेरा विभू कैसा है मेरे लाल मेरे बच्चे। अंदर से दिल पता क्या कह रहा था, मैं कहा बस करो बुआ जी ओवर एक्टिंग की, बस करो, का सलमान खान भी फेल कर दिया आपने ओवर एक्टिंग में। तो परसों मेरी माँ को ना आप ही फोन कर रहे थे, इसको ना कागजों से बेदखल कर दो, पढ़ता नहीं है ये, नाश मार रखा है इसने कॉलोनी वाले बच्चे। मैं कहा अब मेरे को करिए, ओ मेरा विभू का सलमान खान की ओवर एक्टिंग फेल कर दिया। ऐसे ही करते करते ना जैसे बू आई और रिश्तेदार आए, हमारे घर का ना जिसको हम वरांडा कहते हैं, मैं आज कहूंगा पंडाल भर गया। सारे के सारे भंडारे के लिए आयोजित हो गए। रात हो गई, फिर ना अंदर से ना मेरा बड़ा भाई आया, बहनों ने रिश्तेदारों ने घोड़ी खड़ी थी, घोड़ी को चने खिलाए। मेरा भाई घोड़ी पे बैठ जाता है, मैं सोच रहा हूँ, मैं कहा घोड़ी भी सोच रही होगी कि इस गधे को ऊपर बिठा दिया मेरे।
फिर हमारी बारात चलती है होले होले, टुकर 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 ऐसे चल रहे होते हैं, मतलब जैसे उनको कोई टेंशन ही नहीं है, परवाह ही नहीं है टाइम की। हमारे बाप का जो है पैलेस, वहां बैंड बाजे वाले लगे हैं, टा 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 टन टन टा 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 टन टन। एक छनखने वाला होता है वो जो, छोटी मासी का लड़का आता है छनखने वाले से ना, वो ले लेता है छनखना, और ना ऐसे वीडियो के आगे ना खड़े हो गए। मैं क्या लोड थी इसको बुलाने की, मैं ये खड़े थे इतने इंडिया गोट्स टैलेंट वाले रिश्तेदार, बजवा लेते छुन छुना होती है यार। फिर ना शादी वाले पंडाल में पहुंचते हैं, दूर इतनी तितलियां, लड़कियां ही लड़कियां, भाई का तो शादी होने वाली है, मुझे तो देखने का हक है, मतलब इतनी लड़कियां, चमाइला मन करता है मैं ही घोड़ी पे बैठ जाऊं लगे हाथ। फिर याद आया मैं तो सख्त लूंडा हूं, मैं तो ऐसे नहीं पटूंगा, स्टैंडर्ड में रहना है, मैंने तो अपनी जो पैंट है नीचे से इतनी इतनी ऊंची कर रखी है, और पीठ में लगी 150 रुपए की बैली भी यहाँ पे ऐसे बोल गा रखी है, मैं तो सख्त लूंडा हूं। अंदर जाते हैं, रिबन कटाई हो जाती है, सब हो जाता है, सालियां आ जाती हैं, 8-10 सालियां, मतलब जिस लड़के को भाई के अलावा किसी ने आज तक रिकॉग्नाइज नहीं किया था स्कूल कॉलेज में, 8-10 लड़कियां उसके आगे आगे ऐसी ऐसी मंडराती हैं, जीजू 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 आप जीजू, मतलब इतनी हद कर देते हैं ना, अगर जीजू बैठे, ओए जीजू बैठे हैं, ओए जीजू बैठे हैं, जीजू खाना खा रहे, ओए जीजू खड़े हैं, जीजू खाना खा रहे, और अगर 2 मिनट बाद मेरे भाई ने बोला, कह रहा भाई मुझे टॉयलेट ले जाओ फ्रेश होना है, पीछे आ गए, ओए हग्गू जीजू, ओए हग्गू जीजू, मैं कहा साथ बैठ जाओ, जीजू की लगती। हमारे पंजाबियों में ना एक नेक्स्ट लेवल चीज होती है, ऑर्केस्ट्रा बुला रखी होती है, डीजे भी चलता है, स्टेज पे ना ऐसे चले जाएंगे नोट लेके ऑर्केस्ट्रा के आगे ऐसे ऐसे करेंगे। मैं कहा भाई क्लीवेज चैलेंज चल रहा है क्या, भाई तेरी बढ़िया या मेरी बढ़िया, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे हद होती है। फिर उधर से बैठी हमारी महारानी मम्मी जी, पापा को कहती है कान में जाके, ऐदा ना थोड़ा ध्यान रखना, कुट्टी ना ला ले, मेरे को दिख गया। मैंने वेटर को बुलाया, मैं कहा भाई ठंडे में आज मिला के लिया, मीठे में कोड़े का मजा ही कुछ हो रहा है। पापा ना अपनी जान में शाने बने, हमारे पास आके बैठ गए, हम तब तक लगा चुके थे 10-12 कोल्ड ड्रिंक, पापा ना बैठे बैठे ना 5-6 गिलास घटक गए कोल्ड ड्रिंक समझ कर, कहते बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, ठंडी दे, बहुत गर्मी है। जब पी ली फिर कहते, कह रहे यार टेस्ट खराब है, मेरे को लगता है एक्सपायरी है। मैं अंदर कह रहा मनी में, मैं कहा पापा एक्सपायरी तो आप बाकियों को करने वाले हो यार, मतलब एक ना ट्रेंडिंग चीज होती है, एक होती है ट्रेडिशनल, चुनरी के पीछे क्या है गाना तो चलना ही है, पीछे से ना गाना चलता है, चुनरी के पीछे क्या है चोली के नीचे, नाच रहे होते हैं पापा और मैं, चुन्नी लेकर नाचते हैं, सारे पोज में नाचते हैं, मगर पापा चुनरी के पीछे चोली के नीचे क्या है, पापा के तो चढ़ गई, कहते बेटा रुक पड़ोस वाली मंजू आंटी से पूछ कर आता हूँ चुनरी के नीचे और चुनरी के पीछे क्या, चितवाओगे क्या, रुक जाओ। पापा और मैं डांस कर ही रहे थे, इतने में ना बहुत शोर आया, मैं देख के आता हूँ, अलग अलग टाइप के रिलेटिव्स होते हैं शादी में, एक होते हैं जो हर चीज में कमी और गुस्सा करते हैं, मैं गया, फूफड़ जी होते हैं ओल्ड टाइप्स, उनका क्या हुआ, कहते हैं शादी है ये, मैं तो नहीं आता आगे से ऐसी शादी में, उनका धक्का तो नहीं गया था, उनका क्या हुआ बताओ तो, मैं खड़ा हूँ,
कहते इतनी ठंडी आइसक्रीम है। मैं कह रहे बाप रे, मैं कहा जायज है आपका पॉइंट गुस्सा करने को। ऐसे ही मैं चला गया। मैं क्या बोलता, बड़े हैं मुझसे, ठंडी आइसक्रीम बहुत ठंडी है। थोड़ी देर बाद आए, कह रहे मैं तो जा रहा हूँ शादी से। कह रहे निकल जाओ, बहुत देर हो गई, सारा बटेर कर ही जाओगे क्या? आप किस बात से गुस्सा हो? कहते इतना मीठा रसगुल्ला किसको होता है? कहते हमारे वहां तो नमकीन भी मिलते हैं। मैं क्या बकचोदी कर रहे हो? मैं कहा बकचोद क्लास तो मेरी है। अलग अलग टाइप के रिलेटिव होते हैं, लेडीज होती हैं जेलस करने वाली। एक कहेगी हाँ मेरा हार देखा है कितना सुंदर है, उसके आगे तो कर देंगी हाँ हाँ, पीठ पीछे जाके दूसरी कहेंगे 250 रुपये का हार मिलता है, कल नू पानी मार के काला हो जाना। और एक होते हैं सेल्फी लवर्स, दुनिया जहान के देखे हैं, दूल्हे के साथ सेल्फी, दुल्हन के साथ सेल्फी, आधे पता कैसे होते हैं, हाथ में टिकल के ईटिंग एट 5-स्टार होटल। अरे भाई तू 250 का सगन डाल के मेरे भाई की शादी में खाना खाने आया, डोसा ऐसे लेके, ईटिंग मद्रासी डोसा, शक्ल देखी है मद्रासियों की भाई जी, अलग ही लेवल हो गया। मैं गया टॉयलेट करने, टॉयलेट में ना ऐसे खड़ा है नुनू पकड़ के और सेल्फी ले रहा। कहा भाई इसके साथ तो छोड़ दे, अकेलेपन किया होता आजकल। फिर आता है मेरे भाई की सुहागरात का टाइम, पीछे से ना गाना चल रहा, मुझे चांद पे ले चलो, तारे दिखा दो। मैं अपने भाई के पास गया कान में, मैं कहा भाई, मैं कहा दरवाजा लॉक कर लियो, मैं कहा कहीं तेरे चांद तारों के ट्रिप पे मैं कोई रिश्तेदार ना आ जाए। फिर ना सुबह होता ही है, मतलब अभी हम टट्टी भी नहीं करके आते, सुबह सुबह आ जाएंगे। ऐसा दे रे, क्यों मैं तेरे लिए नाचा। मैं पैसा दे रे, कहती क्यों, मैं भी तो तेरे लिए नाची।